हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सुबह सुबह ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। हेलमेट हेड स्ट्रैप आ गया था तो सोचा जाते टाइम ब्लॉग शुरू कर दूँ। अभी रनिंग करके आया हूँ और वापस घर जा रहा हूँ। सुबह सुबह का मौसम यार बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा उठना मुश्किल है बट एक बार उठने के बाद, रनिंग करने के बाद तो बहुत सुकून सा फील होता है। तो अभी चलते हैं घर और नहाते हैं, फिर चलते हैं लाइब्रेरी। तो अभी निकले हैं, आज दोस्त मिल गए एक दो, तो उनके साथ अभी जा रहे हैं गणेश मंदिर रातानाड़ा और चलते हैं वहाँ पे और आपको बताते हैं वहाँ से जोधपुर का नज़ारा। और एक जगह और भी जाने का प्लान है तो वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं अभी और बताते हैं आपको नज़ारा जोधपुर का। आए मंदिर, दर्शन तो कर लिए हैं। यहाँ गणेश टेंपल के अलावा और भी मंदिर है। ये है शिव पार्वती जी का और एक और है राम लक्ष्मण और सीता जी का। तो अभी आप देखो जोधपुर के नज़ारे। मंदिर के दर्शन तो कर लिए, अभी चलते हैं एक नई जगह मंडोर उद्यान। मैं भी काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं जोधपुर का उद्यान, मंडोर उद्यान। अभी एंटर किया है गार्डन में। एंट्री फीस है कुछ भी नहीं है, आप फ्री में घूम सकते हो। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। आगे अंदर देखो आप नज़ारे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा भी है। अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी बने हैं जो आप आगे वीडियो में देखोगे। तो देखो आप वीडियो। करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। एंड अच्छे से अभी एडिट नहीं होता है, मैंने एडिटिंग थोड़ी पहले भी शुरू की थी बट अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, तो आने वाले टाइम में थोड़ा एडिट भी अच्छे से होगा तो ब्लॉग भी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।